अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है रसमलाई, जिसके लिए मैंने लिया है 2 कप फुल क्रीम दूध, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 चमचे पिस्ता कुटा हुआ, अगर बादाम लिया है, अगर आपको पिस्ता पसंद है तो आप पिस्ता ले लें, आधी प्याली चीनी और 1 अंडा और 1 लीटर दूध लिया है जिसको हमने बॉयल होने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं रसमलाई बनाना। पहले हमने बॉल में डाली है नीडो, उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, फिर डालेंगे इसमें अंडा। हम इसको अंडे से फेंटेंगे, गूंदेंगे, ये चमचे से अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा, इसलिए हम इसमें हाथ का इस्तेमाल करेंगे। हाथ से करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखिए ये हाथ पे चिपक रहा है। हम इसको सिर्फ एक ही अंडे से इसको गूंदेंगे। आप लोग परेशान मत होइएगा, ना ही इसमें पानी ऐड करिएगा, क्योंकि फिर ये ख़राब हो जाएगा। हम इसको एक ही अंडे से गूंदेंगे, फिर इसको हम इतना गूंद के 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद जब निकालेंगे तो ये हाथ में चिपकेगा नहीं, ये सेट हो जाएगा। जब तक हम इसको फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं दूध का प्रोसेस जो हम उसमें करेंगे। ये देखें, हमने दूध बॉयल होने को रखा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, ये हमने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया। अब हम इसमें दूध में चीनी डाल के इसको छोड़ देंगे, जब तक दूध में चीनी मिक्स नहीं हो जाती। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, 10 से 15 मिनट बाद हम आपको रसमलाई के लिए बॉल्स बनाना दिखाते हैं, जब ताकि फ्रिज में मिक्सचर सेट हो जाए। मिक्सचर अब हाथ में चिपक नहीं रहा है। आपको जैसी शेप पसंद हो आप इसकी बॉल्स बना लें, आप इसको ओवल कर लें, जैसी आपको शेप अच्छी लगे आप वैसे इसको बना सकते हैं। हमने इसको 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखा था, जब यह हाथ पर मिक्सचर चिपक नहीं रहा। ये देखें, हमारा दूध खोल रहा है। अब हम इसमें रसमलाई बनाई हुई डालेंगे। हम इसमें जब रसमलाई डालेंगे तो इसका साइज़, जो साइज़ हमने बनाया उससे डबल हो जाएगी ये, और जब ये डबल हो जाएगी तो फिर ये ऊपर आ जाएगी, दूध को सोख लेगी अपने अंदर जस्ट करने के बाद, और ऊपर जब आएगी तो ये दूध इसको पकाएगा और इसका कलर येलो से वाइट हो जाएगा। हम इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाएंगे क्योंकि ये टूट जाएगी, सिर्फ इसको हम हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे। ये देखें, ये ऊपर आ गई है। अब हम चूल्हा दूध का जो है वो मीडियम कर देंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। हम इसको 10 से 15 मिनट तक दूध में पकने देंगे, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे और फिर 2 से 3 सेकंड के बाद फिर हम इसको बाहर रख के वापस दूध में डाल देंगे। आज की रेसिपी रसमलाई तैयार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। हमने इसके ऊपर जो है बादाम पिस्ते से इसको सर्व करा है। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।